प्रयागराज हिंसा पे बड़ी कार्रवाई। गौरतलब है कि प्रयागराज में जो हिंसा हुआ था उसको लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर चला बुलडोजर। जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चल रहा है। जावेद पंप मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। जावेद के घर पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गौरतलब है कि प्रयागराज में हिंसा हुई थी जहां पर युवाओं को सामने कर कर पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही थी। इस घटना में डीएम और एसएसपी को भी चोट आई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय से साफ निर्देश दिए गए थे कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में प्रयागराज हिंसा में जो हिंसा का मास्टरमाइंड है उसके घर पर बुलडोजर चला है। गौरतलब है कि कल पुलिस ने मार्च किया था, मार्च के बाद चिन्हित किया गया था इनके घर को, वही आज बुलडोजर की कार्रवाई इनके घर पर की जा रही है। इससे साफ एक मैसेज दिया गया है कि उत्तर प्रदेश हिंसा मुक्त है, दंगा मुक्त है, और जो भी उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रयागराज जो हिंसा का जो मास्टरमाइंड है उसके घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं एक जो भय है वो माफियाओं में हमेशा से था, लेकिन जिस तरह से हिंसा को अंजाम दिया गया था, नमाज के बाद प्रयागराज में पथराव किया गया था, उसके बाद कल पुलिस ने पहले मार्च किया था, मार्च के बाद चिन्हित किया गया था इन सभी लोगों को, उसके बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई जो मास्टर माइंड है इस हिंसा का उसके घर पर किया जा रहा है। जावेद के घर पर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रयागराज जो हिंसा मामले में कार्रवाई की जा रही है, हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर चला बुलडोजर, जावेद पंप के घर पर चला बुलडोजर। जावेद पंप मुख्य आरोपी के रूप में इस हिंसा में सामने आया था। अब जिसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, बुलडोजर चलाया जा रहा है इसके घर पर, और साथ ही साथ जो भी आरोपी है इस हिंसा में, जिस किसी ने भी प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की थी उन सभी के घर पर कार्रवाई की जाएगी। बीते 3 जून को पहली बार एक हिंसा सामने आई थी जुमे की नमाज के बाद, जिसके बाद से पिछले जुमे को भी नमाज अदा करने के बाद एक हिंसा भड़की थी। उस हिंसा में प्रयागराज का जो मुख्य आरोपी था जावेद पंप, उसके घर पर कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता पवन पटेल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, अब किस तरह से कार्रवाई कर रही है, उसके घर पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? ये अभी ताजा अपडेट की बात की जाए तो ये जो हिंसा हुई है, इसका जो मुख्य आरोपी है जावेद उर्फ़ इसके घर में भारी फोर्स तैनात की गई है, और इस समय दो दो बुलडोजर जो हैं वो अगले हिस्से में, मकान के अगले हिस्से में लगातार तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि सीओ महिला सीओ के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मी अंदर भेजे गए हैं कि अंदर अगर किसी महिला या इनके घर में कोई महिलाएं हो तो उनको भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। इनको समय दिया गया था कि अपने घर के सामान को निकालने 11 बजे तक का इनको टाइम दिया गया था। इनके घर से सामान नहीं निकले हैं, उसके बाद प्रशासन ने भारी मात्रा में फोर्स के साथ इनके घर पर दो दो बिल्डोजर के साथ यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और ये जो कार्रवाई है, जितने भी आरोपी हैं, जो भी यहाँ पे जिन पर आरोप किए गए हैं उनके घरों पर ये कार्रवाई की जाएगी। जी जी पवन, जो और कितने लोग इस मामले में चिन्हित गए हैं, कितने लोगों के ऊपर नामजद FIR दर्ज किया गया, और कितने अज्ञात लोग हैं इस मामले में प्रयागराज में? जी, चूंकि मामला जिस तरीके का आप इसी से अंदाजा लगा सकता है कि 5000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जबकि 63 लोग की जो है नामजद हैं और 63 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक साजिश कह लीजिए कि जब प्रशासन को 5000 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन की जो इंटेलिजेंस है वो भी फेल हुई है, क्योंकि अगर 5000 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का मतलब है कि 6-7000 या 10000 के आसपास की क्राउड होनी चाहिए, तब यहाँ पर इस तरीके के पत्थरबाजी जैसी घटना हुई है। और लगातार 5 घंटे संगम नगरी पूरी तरीके से गुरिल्ला युद्ध में तब्दील रहा था। जी जी पवन, जिस तरह से कार्रवाई बुलडोजर की चल रही है, अब क्या कुछ खौफ और क्या कुछ एग्जाम्पल उन लोगों के लिए सेट किया गया जो प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे थे, हिंसे की आग में सुलगाने की कोशिश कर रहे थे पूरे प्रदेश में, उन पे किस तरह का खौफ पैदा होगा? निश्चित रूप से तस्वीर कहीं ना कहीं जो उपद्रवी है, जो
इस तरह का जो हिंसा भड़काते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की कोई भी घटना करता है तो उसके साथ इस तरह की कार्यवाही की जाएगी, उनके घर वालों के ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, घर को ध्वस्तीकरण किया जाएगा। आज जिस जगह मौजूदा जगह की बात की जाए तो यहाँ पर जो इस पूरे घटनाक्रम का जो मुख्य आरोपी माना गया है जावेद दुर्गुप्पम, उसके घर में आज दो दो बुलडोजर चल रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स है। तो निश्चित रूप से इन तरह के जो उपद्रवी हैं उनके लिए साफ तौर से मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना करने वालों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। जी कौन क्या आपके प्रशासन में किसी से बात हुई कि जो बाकी के आरोपी है, जो जो युवा है, जब हिंसा हो रहा था एक तस्वीर सामने आई थी कि एक गली के किनारे पे खड़ा होकर कुछ युवा पत्थरबाजी कर रहे थे, आखिर ये कौन लोग हैं जो युवाओं को भड़का रहे, युवाओं के दिमाग में इतनी जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में तस्वीर दिखी थी, जरूर ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से नाबालिग बच्चे सामने आए थे तस्वीरों में पत्थर बरसाते हुए, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश की कहीं ना कहीं से बू भी आ रही थी। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पे 5 घंटे लगातार गुरिल्ला युद्ध चला है, संगम नगरी प्रयागराज पूरी तरह से हलकान रहा है, आज जिस तरीके से कार्यवाही हो रही है तो कहीं ना कहीं उस दिन की ये जो घटना है ये बहुत बड़ी घटना थी और इसमें निश्चित रूप से प्रशासन की चूक जरूर सामने देखने को मिली थी उस दिन। जी जी पवन, अब किस तरह की कार्यवाही की जाएगी, इनके जो प्रोसीजर है घर को ध्वस्त करने का वो चल रहा है, जो बुलडोजर के द्वारा गिरा जो घर की महिलाएं और सामान है उसको निकालने का क्या कुछ प्रोसीजर होगा, और जावेद पंत जो मुख्य आरोपी है उसका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए उनके परिजन जो है, अगर उनकी पत्नी की बात की जाए तो वो भी पुलिस की हिरासत में है, जावेद पंत की बेटी भी पुलिस की हिरासत में है। हाँ, उनकी बहू किसी न किसी तरीके से सार्वजनिक रूप से बाहर आई थी, उन्होंने जैसा है हर एक आरोपी अपने पक्ष को बताता है, कहता है मैं बेनुगा बेगुनाह हूँ, मेरे घर वालों ने कोई इस तरह का गुनाह नहीं किया है, ये अपनी दलीलें रखते हैं। उनकी जो बहू है उन्होंने भी मीडिया के सामने थोड़ी सी बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि उनके जो पिताजी हैं, जो उनके ससुर जी हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं, अगर प्रशासन की बात की जाए तो जिस तरीके से मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर शहर के बीचों बीच किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो कहीं ना कहीं से फेल नजर आई है। जी क्या कुछ अन्य अधिकारी भी प्रयागराज भेजे गए हैं इस पूरे मामले पर? नहीं, अभी तो फिलहाल प्रयागराज की बात की जाए तो जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ADG, तमाम ऐसी जो फोर्स है, कई प्रदेशों के, कई दूसरे शहरों की जो है पुलिस फोर्स वो भी आई है, RAF है, PSC के जवान है, तो यहाँ अगर बात की जाए तो कम से कम 10,000 की संख्या में यहाँ पे पुलिस कर्मी भी मौजूद है। जी पवन, ये जो जावेद है क्या इसका पहले से कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है, क्या इसका पेशा रहा है, पहले क्या कार्य किया करता था जो इतने बड़े हिंसा का मास्टरमाइंड के रूप में ये निकल कर सामने आया है, इतनी बड़ी हिंसा इसने भड़काई है? देखिए जो जावेद है ये AIM के प्रदेश लेवल के नेता हैं। हाँ, इनका जो नाम आया था जब CAA के जब प्रदर्शन हो रहे थे प्रयागराज में, तब इनका नाम सामने आया था। तो ऐसे कई जो मुद्दे थे वो सामने आए थे, उन्हें मुद्दों पर अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये पहले से ऐसी किसी भी गतिविधियों में इनको लिप्त कहा जा सकता था। जी अब और किस तरह की कार्यवाही आगे की जाएगी और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे हिंसा वाले मामले पर पवन? देखिए स्थानीय लोग तो अपनी इसमें प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो जिस तरीके से कार्रवाई आज हो रही है, इस तरीके से जितने भी घर चिन्हित किए गए हैं, जिनके घरों में पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई थी, जिनके घरों से पत्थर गिरने की तस्वीरें सामने आई थी, उन घरों को यहाँ पे तोड़ा जाएगा और उनके ऊपर तमाम तरह की कार्रवाई की जाएगी, जितने भी सरकारी संपत्तियां नष्ट हुई है वो उनसे जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। जी पवन, कल एक मार्च भी किया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा, जब चिन्हित किया गया था इन दंगाइयों के घरों को, तो कल के मार्च में कितने दंगाइयों के घरों को चिन्हित किया गया है और आगे जो और दंगाई है क्या उनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा? जी अगर प्रशासन की बात की जाए तो 38 लोगों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं, उन 38 घरों में तो बुलडोजर चलेंगे, बाकी अन्य की तलाश भी की जा रही है और पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। कुल 100
100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। तो निश्चित रूप से आने वाले जो दिन है उसमें भी इस तरह की कार्रवाइयां सामने आएंगी। जी बिल्कुल पवन, और क्या कुछ ताजा अपडेट है, किस तरह से प्रशासन अभी दंगाइयों पर जो प्रदेश में हिंसा फैला रहे थे किस तरह की अन्य कार्रवाई अब करेगी और किस तरह की कार्रवाई अभी जारी है वहाँ पर? अभी तुरंत की बात की जाए तो मौजूदा घटनास्थल पे यहाँ पे जहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है वहाँ पे हम खुद ही मौजूद हैं और यहाँ पे दो दो बुलडोजर हैं वो अभी खड़े हुए हैं। हालांकि जो पूरी पुलिस टीम है वो उनके घर के अंदर की तलाशी ले जा रही है कि घर के अंदर कोई महिला नहीं है, बच्चा नहीं है, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा क्योंकि इसके लिए इनको पहले से नोटिस चस्पा की गई थी विकास प्राधिकरण की तरफ से। कल इनको आज इनको 11 बजे तक का समय दिया गया था कि अपने घर के अंदर रखे सामान को निकाल लें। हालांकि इनके घर से वो सामान नहीं निकाले गए थे, अंदर कुछ लोगों के होने की सूचना जरूर पुलिस को मिली थी। यहाँ पर महिला सीओ के साथ महिला पुलिसकर्मी अंदर गई है तो अंदर किसी भी तरह के कोई लोग नहीं मिले हैं और यहाँ पे अभी तुरंत की बात की जाए तो जावेद पंत के जो मकान का अगला हिस्सा है अभी उनके तरह उनके गेट को पूरी तरीके से गिरा दिया गया है और यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस टीम यहाँ पर है और अभी उनके अंदर जो सामान है वो निकालने की प्रक्रिया चल रही है और अगर कुछ देर की बात की जाए तो इनके घर को पूरी तरीके से नस्ता नबूद कर दिया जाएगा। जी पवन, सामान निकालने का मोहलत इनको दिया जाएगा क्या अभी? जी नहीं, इनको जो समय है वो आज 11 बजे तक का दिया गया था और 11 बजे का वो समय है वो समाप्त हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पे पीडीए कार्रवाई कर रही है। दो दो बुलडोजर इनके घर के अगले हिस्सों को गिराने में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ देर से अभी ये प्रक्रिया भी रुकी है लेकिन जल्द ही कुछ क्षणों में इनके पूरे घर को जमीन दोस्त कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखे पवन, हम जल्द ही आपसे जुड़ेंगे। टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से अब जो मास्टरमाइंड है प्रयागराज के हिंसा का उसके घर को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि सीओ के साथ महिला पुलिसकर्मी अभी उसके घर के अंदर गई हुई हैं, पहले ही नोटिस विकास प्राधिकरण की तरफ से उसके घर पर चस्पा किया जा चुका था कि 11 बजे तक वो अपना घर खाली कर दे, अपने घर के सामान निकाल ले, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बच्चों और महिलाओं के घर में होने की, जिसको ध्यान में रखते हुए पहले सीओ के साथ महिला पुलिसकर्मी अभी फिलहाल घर के अंदर गई हुई है ताकि बच्चों और महिलाओं को घर से निकाला जा सके, जिसके बाद कार्रवाई किया जा सके। जो बाउंड्री एरिया है, जो गेट का एरिया है, वो पूरा ध्वस्त किया जा चुका है और बाकी के जो भी गुनहगार है, जो भी इस हिंसा में शामिल है, उन सभी को नोटिस दिया जा चुका है, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी जिस किसी ने भी प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री का जो सपना है दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, इस सपने पर पानी फेरने की जिस किसी ने भी कोशिश की है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस देश में सबको हक है विरोध करने का। अगर आपके ऊपर कोई टिप्पणी करता है, आपके समुदाय पर कोई टिप्पणी करता है, आपके जात विशेष पर टिप्पणी करता है, हर किसी को हक है प्रदर्शन करने का, लेकिन किसी को यह हक नहीं है कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, आप प्रदेश को हिंसा की आग में सुलगाने की कोशिश करेंगे जिस तरह की कोशिशें की गई थी पिछले जुमे की नमाज के बाद। कहीं ना कहीं प्रदेश को सुलगाने की कोशिश की गई है एक बयान के चलते, इतनी बड़ी पहले हिंसा भड़कती है, हिंसा भड़कने के बाद जब प्रवक्ता को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, पहले तो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है वो एक होती है, उसके बाद प्रदेश में हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये हिंसा तब भड़काने की कोशिश की गई थी जब पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी था, धारा 144 लगे हुए थे, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, पीएससी की जो टुकड़िया है वो भी मुस्तैद थी। इस बीच इन दंगाइयों ने हिम्मत दिखाई, इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया, प्रदेश को सुलगाने की कोशिश करी। वहीं प्रयागराज हिंसा में जो डीएम है, एसएसपी है, उनको भी चोटें आई थी, जिसके बाद से सेम डे जो अवनीश अवस्थी है सचिव गृह, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, अपडेट मांगा था। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का भी बयान इस पर
सामने आया था कि दो जगहों से ऐसी मेजर हिंसा सामने आई है जहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं प्रशासन कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश को हिंसा के आग में सुलगाने की कोशिश की गई थी, कहीं ना कहीं ये बेहद ही निंदनीय हरकत सामने आई थी। उसके बाद से AIMIM के जो नेता है, कार्यकर्ता है और प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जो है, उसके घर को, जावेद पंत के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। फिलहाल अभी CO के साथ महिला पुलिसकर्मी उसके घर में है ताकि कोई महिला या बच्चे हो तो उन्हें बाहर निकाला जाए। उसके बाद उसके घर को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही साथ जितने अपराधी हैं, जिस किसी का भी नाम इस मामले में सामने आया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। संवाददाता नितिन कुमार उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अब किस तरह की आगे की कार्यवाही जो मास्टरमाइंड है जावेद उस पर की जाएगी? नितिन, हेलो जी। नितिन, अब जो बुलडोजर का प्रोसीजर है वो चल रहा है, आगे क्या कुछ कार्रवाई उन सभी पे की जाएगी जो इस हिंसा में चिन्हित किए गए हैं? देखिए, लगातार अब कार्रवाइयां जो हैं पूरे मामले में बढ़ती जा रही हैं। 300 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है और प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में जो मुख्य आरोपी है जावेद मोहम्मद उर्फ पंप, उसके घर पर बुलडोजर की जो इस वक्त की कार्रवाई है वो चल रही है। बुलडोजर से उसके घर को जो है तोड़ा जा रहा है। बता दे रहे कि शनिवार देर शाम घर पर PDA ने एक नोटिस भी चस्पा कर दिया था और बताया जा रहा है कि आज 11 बजे तक मकान खाली करने के लिए भी निर्देशित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जावेद मोहम्मद के घर पर प्रशासन जब पहुंचा तो घर पे कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। उसके बाद उन्हें वहां हटवाया गया और उसके बाद अब वहां पर जो कार्रवाई है PDA की तरफ से वो करी जा रही है। नितिन, प्रयागराज में जो हिंसा हुआ था उसमें कितने लोगों पर नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कितने अज्ञात लोग है? देखिए, लगातार ये जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है प्रयागराज में और प्रयागराज के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। गिरफ्तारियों की भी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अगर कुल मुकदमों की अगर बात करी जाए प्रयागराज में तो 3 FIR पंजीकृत की गई है। 8 बजे तक का जो अभी सुबह 8 बजे तक का जो डाटा UP पुलिस की तरफ से जारी किया गया उसमें बताया जा रहा है कि 3 प्रमुख FIR जो है वो दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में अब तक प्रयागराज से 91 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो मुख्य आरोपी है जावेद, उसके घर पर इस वक्त बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो प्रशासन और PDA की तरफ से चल रही है। जी बिल्कुल नितिन, क्या आपके किसी प्रशासनिक अधिकारी से प्रयागराज में बात हो पाई कि किस तरह से इन पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे किस तरह से इनसे पूछताछ की जाएगी? देखिए, कल SSP अजय कुमार ने पूरे मामले के जो मास्टर माइंड था उसके नाम का खुलासा किया था और उसका नाम था जावेद। अब उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि हिंसा का ये जो मास्टरमाइंड है जावेद उर्फ पंप, ये इसकी बेटी जो है वो JNU में पढ़ती है और पुलिस जावेद की बेटी की भूमिका की भी जांच कर रही है पूरे मामले में कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी की भी कुछ इसमें जो हिंसा भड़की थी उसको लेकर के पुलिस को शक है कि उसकी बेटी जो JNU में पढ़ रही है इस वक्त उसके ऊपर भी पुलिस को कुछ शक है और उसको लेकर के भी जांच पड़ताल जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है कि कहीं उसके बेटी के भी कुछ ऐसे लिंकअप्स तो नहीं थे इस पूरी हिंसा को भड़काने के लिए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 25 मई 2022 को उसके घर को ध्वस्तीकरण करने का एक नोटिस जो था वो जारी किया जा चुका था। इसके अलावा बताया भी जा रहा है कि शनिवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और राजस्व टीम अटाला इलाके पहुंची थी जहां पर आरोपियों के जितने भी घर थे, सैकड़ों जो आरोपी के जो घर थे और उनके करीब सैकड़ों ऐसी दुकानें थी जिनके मानचित्र की जांच की गई और पता चला कि वो सब अवैध हैं, अतिक्रमण का हिस्सा हैं और उसके बाद वहां पर नोटिस चिपका करके उन्हें खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब वहां पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो चल रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद नितिन, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। माइंड है प्रयागराज हिंसा का लगातार
उसको नोटिस भी दिया गया था कि 11 बजे तक वो अपने घरों से सामान खाली कर ले, वो अपना घर खाली कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद अब बुलडोजर की कार्रवाई, दो दो बुलडोजर से उसका घर ध्वस्त किया जा रहा है, गेट का जो बाउंड्री एरिया है वो ध्वस्त किया जा चुका है। हम ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई उसके घर पर हो रही है। फिलहाल महिला और बच्चों को निकालने के लिए सीओ के साथ साथ महिला पुलिसकर्मी घर के अंदर अभी मौजूद है और उनके उनको निकालने के बाद ही इसके घर को ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ तमाम लोगों को इस घटना में चिन्हित किया गया है और जिस किसी को भी चिन्हित किया गया है उन सबके सख्त कार्रवाई होगी। प्रयागराज में पत्थरबाजों पर लाठी चार्ज, घायल डीएम की शर्ट पर खून के छींटे, एडीजी आईजी और एसएसपी को भी इस मामले में चोट लगी थी। देखिए ये जो हिंसा की आग है वो कई जगहों पर भड़की थी, साथ ही साथ यूपी के कई जिलों में पथराव की घटना पर लखनऊ में एसीएसओ अवनीश अवस्थी ने बैठक भी बुलाई थी। बैठक के बाद उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी जिन जिन जिलों में ये हिंसा सामने आई थी। प्रयागराज में पथराव के दौरान डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार को भी पत्थर लगा था। फिलहाल आज कार्रवाई प्रयागराज में चल रही है। वहीं देवबंद के मुस्लिम बाजार और दुकान बंदी रही। मुस्लिम रशीदिया पर जुमा की नमाज के बाद अचानक कुछ मदरसा छात्रों ने नारेबाजी की और उनके हाथ में बैनर पोस्टर भी थे। भयावह थी कि युवा भी पत्थर फेंकते हुए पुलिस पर नजर आए थे। हालांकि बल का प्रयोग करके पुलिस उन सारे प्रदर्शनकारियों को हटाने में कामयाब हुई थी। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सागर थापा। सागर, अब किस तरह की आगे की कार्रवाई इन लोगों पर होगी? शासन ने साफ तौर पर ये कर दिया गया है कि अगर आप कोई भी किसी भी तरह का अगर दंगा या किसी भी तरह का भड़काऊ अगर कोई भी चीज करना चाह रहे हैं तो वो मंशा आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीएम योगी ने कहा एकदम सर्व बहुत ही बड़े बड़े अधिकारियों के साथ अपने आवास पर मीटिंग की और साफ साफ ये जाहिर किया है कि जो भी दंगा करने वाले लोग होंगे यूपी में या फिर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोग होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि रासुका जैसा एक कानून है जो कि बहुत ही कम लोगों पर लगता है, आतंकवादी जैसा कानून है, वो भी पूरी तरह सरकार लगाने में बिल्कुल तैयारी में है। जी सागर, ये जो जावेद उर्फ पंप है जिसके घर पर कार्रवाई चल रही है प्रयागराज में, क्या इसका पहले से ऐसा कोई हिस्ट्री है? क्या ऐसी गतिविधियों में पहले भी ये शामिल रहा है? क्योंकि एआईएमआईएम का ये कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है, तो क्या पहले भी इसकी ऐसी कोई गतिविधियां सामने आई है? देखिये, फिलहाल अभी तक शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ अभी तक निकल नहीं आया, लेकिन सरकार और पुलिस जो है इसमें पूरी तरह से लगी हुई है कि जो भी इसकी काले चिट्ठे थे और जो भी उसकी कुंडली थी, पुराने रिकॉर्ड थे, पूरी तरह से खंगाला जाए। और जावेद अब मुश्किल में आ चुका है क्योंकि आज उसके घर पर बुलडोजर चला है, कल को बड़ी से बड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा संभव मानी जा रही है और कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर एक संदेश भी जाता है कि यूपी में अगर आप कुछ भी उपद्रव करेंगे तो आप सरकार की नज़रों से बच नहीं पाएंगे और आपके साथ वही होगा जो एक अपराधी के साथ होना चाहिए, जो शांति व्यवस्था बिगाड़ने में पूरी तरह से अपना सहयोग करता है और जो पूरी तरह से शांति व्यवस्था बिगाड़ता है तो वही सरकार उसके साथ करेगी। जी सागर, हिंसे के दिन शाम 6 बजे अवनीश अवस्थी जो गृह है उनकी एक मीटिंग भी हुई थी, उस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए थे, क्या कुछ फैसले निकल करके सामने आए थे कि बाकी के जो जिलों में प्रदर्शन किए गए हैं, हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है, प्रदेश को सुलगाने की कोशिश की गई है, उधर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी?
देखिए परसों से बात आपको बता दूं कि परसों से लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं, जो भी जो तो यूपी के तमाम 7 से 8 9 जिलों में तमाम जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं उसको बख्शा नहीं जा रहा है। तमाम लोग हैं जो भी इसके पीछे के दोषी हैं, जो भी इसके पीछे की वजह है, उनको लगातार ढूंढा जा रहा है। अब तक मैं आपको बता दूँ 304 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है 9 जिलों से। तमाम लोग अभी भी गिरफ्तारी में लगे हुए हैं, पुलिस की टीमें बनाई जा रही है और अवनीश अवस्थी द्वारा एकदम सख्त से सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए, उन्हें ढूंढ ढूंढ के निकाला जाए। और पुलिस पूरी तरह से अब सक्षम नज़र आ रही है, उन्हें ढूंढ भी रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है और उन्हें सजा दिलवाने की पूरी जद्दोजहद भी कर रही है। जी सागर, कितने लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल प्रयागराज में हो चुकी है और कितने नामजद हैं और कितने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है प्रयागराज में? देखिए प्रयागराज की बात करूं तो लगभग 50 से ज़्यादा लोग की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और नामजद तो मैं अभी कोई एक क्या बोलते हैं नामजद अगर बताया जाए तो नामजद की कोई संख्या स्पष्ट नहीं बताई जा रही, लेकिन अभी बहुत ही जल्द इसका शासन और प्रशासन इसका बहुत ही जल्द खुलासा करेगा। जी सागर, ये जो गिरफ्तारी की संख्या क्या वो लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए गिरफ्तारियां तो होंगी क्योंकि इतनी बड़ी बात हो गई, यूपी को दहलाने की, यूपी को डराने की कोशिश की गई थी, तो आपको बता दूं कि गिरफ्तारियां अभी तक और बढ़ेंगी। अभी सुबह से लेकर दोपहर तक, परसों से मान के चलिए जब से ये यूपी में ये जो घटनाएं घटी हैं जुमे वाले दिन से, उस दिन से लगातार पुलिस एकदम सतर्क हो चुका है, गिरफ्तारियाँ लगातार हो रही है। पुलिस की तमाम टीमें वहाँ पर तैनात हैं, तमाम लोग वहाँ पर तैनात हैं और ज़िले को एकदम छावनी तरह बना दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी दोषी होगा वो पूरी तरह से कहीं बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी कोने में साफ साफ घूम ले, क्योंकि ACS अवनीश अवस्थी का साफ साफ कहना है और DGP का कहना है, वहीं CM योगी का भी कहना है कि जो भी दोषी होंगे, जो भी शांति व्यवस्था अगर दुरुस्त करने में अगर कोई भी किसी भी तरह की परेशानी अगर करते हैं शासन को या प्रशासन को या पुलिस को लेकर, तो उन्हें पूरी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उनके ऊपर रासुका जैसी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी अगर बात किया जाए प्रयागराज की जावेद, तो प्रयागराज में पहले ही नोटिस किया दिया जा चुका था जावेद को कि 11 बजे तक वो अपना घर खाली कर दे, उसके बावजूद भी पुलिस को जो सूचना मिली थी उसके आधार पर कुछ महिलाएं और बच्चे घर के अंदर उपस्थित थे। अभी थोड़ी वक्त पहले ही CO के साथ साथ महिला पुलिसकर्मी उनके घर के अंदर गई थी। क्या महिला और बच्चों को बाहर निकाला जा चुका है और आगे जो कार्रवाई है बुलडोजर की वो जारी है? देखिए पुलिस पहले ही इन्फॉर्म कर चुकी थी कि आपके साथ आपके घर में जावेद के घर में ये कार्रवाई होने वाली है, तो उस बीच कुछ महिलाएं भी थी, कुछ बच्चे भी थे उसके घर में, लेकिन हाँ पुलिस के सकुशल तरीके से अगर उन्हें मैनेज करने की एकदम एक बढ़िया प्रणाली दिखी हमें, तो वहाँ पे पुलिस के अधिकारी कुछ जाते हैं, बच्चों और बड़ों को जो भी बच्चे हैं महिलाएँ उन्हें बाहर निकाला जाता है और आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। वहीं बुलडोज़र की जो कार्रवाई अभी तक जारी है और लगातार मेरे हिसाब से अगर मैं कहना चाहूँगा तो वो ये पुलिस और बुलडोज़र की कार्रवाई अभी तक जारी है और जारी रहेगी, क्योंकि और भी लोग इसके पीछे खुलते चले आएंगे। कड़ी दर कड़ी पुलिस लगातार जोड़ने में लगी है कि प्रयागराज में जो इतना बड़ा कांड हुआ, DMSP पर पत्थर चले और तमाम लोग घायल हुए, तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए, आखिर उनके पीछे इस मास्टरमाइंड के साथ और कौन व्यक्ति सम्मिलित था जो इतनी बड़ी हरकत को अंजाम दे सकता है। जी जावेद के ऊपर अभी बुलडोजर चल रहा है सागर, जो अन्य आरोपी है, जो नामजद आरोपी है, क्या उनके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है जावेद पर कार्रवाई होने के बाद? जी बिल्कुल, मैं अगर आपको साफ साफ कहूँ कि ये बुलडोजर जो आज चला है ये साफ साफ शासन की एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा संदेश है, क्योंकि अगर आप कोई भी अगर किसी भी तरह अप्रिय घटना करते हैं यूपी में या किसी भी जिला में किसी भी जगह में, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। तो एक संदेश भी अगर शासन की तरफ से मैं कहना चाहूँगा, शासन की तरफ से एक बेहतर संदेश गया है उन लोगों के लिए जो शांति व्यवस्था को एकदम बहाल करने दुरुस्त करने में एकदम जो अपना एक भूमिका निभाते हैं और जो भी अपराध करते हैं, जो पथराव करते हैं, जिस भी तरीके से अगर कानून व्यवस्था को अगर वो दिक्कत में डालते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और एक बहुत ही बेहतर संदेश गया है शासन की तरफ से कि अगर आप यूपी में पथराव करेंगे, यूपी में दंगा करेंगे, तो कानून की नजर आप पर हमेशा बनी रहेगी। जी बिल्कुल सागर, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए कि आगे किस तरह की कार्रवाई चल रही है, हम जल्द ही आपसे जुड़ेंगे।
प्रयागराज में जो हिंसा का मास्टरमाइंड है उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं प्राइम टीवी पर, उसके घर को ध्वस्त किया जा रहा है। जो मास्टरमाइंड है जिसने प्रयागराज को हिंसा में दहलाने की कोशिश की थी, वही संवाददाता पवन पटेल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, महिला सीओ अभी घर के अंदर उपस्थित थी, क्या बच्चों और महिलाओं को बाहर निकाला जा चुका है, आगे की कार्रवाई जारी है? ये त्रिशला, यहाँ पर आज 11 बजे का उनके घर पे नोटिस चस्पा की गई थी कि वो अपने घर के जितने भी सामान है उसके उनके घर वाले निकाल सके। हालांकि महिला सीमा है वो महिला पुलिस कर्मियों के साथ उनके घर में घुसी है ये देखने के लिए कि घर के अंदर कोई महिला या किस तरह के और लोग नहीं है, उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन जब वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं तो घर के अंदर कोई मिला नहीं है। हालांकि सामान वहां से कोई भी नहीं निकाला गया था और यहाँ पर उनके घर के अगले हिस्सों को दो दो जेसीबी से उनके घर को गिराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा एरिया है वो पूरी तरीके से छावनी बना हुआ है। अगर बात की जाए यहाँ पर प्रशासन की तो लगभग हजारों पुलिसकर्मी यहाँ पर पूरी तरीके से छावनी बनी हुई है और उनके घर को अभी थोड़ी देर में नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा जी। और ये वही गली है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ जी। त्रिशला जी, मैं चाहूंगी कि आप एक बार दर्शकों को दिखाएं जो कार्यवाही चल रही है, एक बार आप दर्शकों को दिखाएं पवन। आप त्रिशला, ये मेरे ठीक पीछे की ये मेरी तस्वीर है, देखिये यहाँ पे पुलिसकर्मी है आपको दिख रहे होंगे। और ये थोड़ी सी यहाँ पे लगभग 100 मीटर दूर जाने के बाद ही वो जो मास्टरमाइंड है इस पूरे घटना का उसका घर है और वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है। हालांकि वहाँ पे इतने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं कि मीडिया कर्मी को भी अंदर उधर आगे जाने की अभी परमिशन नहीं दी है और ये वही जहाँ पे इस समय मैं मौजूद हूँ जी। पिछला जी बिल्कुल, अब किस तरह की कार्यवाही की जाएगी और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर पवन? और सबसे बड़ा सवाल, अभी तो ये जावेद पंप के घर को ध्वस्त किया जा रहा है, जो अन्य आरोपी है जिनका नाम इसमें आया है जो फिलहाल अभी नामजद है, क्या उनके साथ भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है, क्या उनके घर को भी ध्वस्त किया जा सकता है? यहाँ के जिले के आला अधिकारियों के तरीके से उन्होंने बात की है, निश्चित रूप से जितने भी यहाँ पे इस पूरे घटनाक्रम के हैं मुख्य आरोपी हैं या जो नामजद किए गए हैं उनके घर में भी इसी तरह की कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई है, जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के दंगाई हैं, जो इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश भी होगा, बड़ा मैसेज भी होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस तरह के हिंसा भड़काने वालों के साथ प्रदेश की सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है। तो ये अच्छा खासा मैसेज भी कहा जा सकता है जी। त्रिशला जी, पवन, जिस तरह से पहले 3 जून को नमाज के बाद कानपुर में सबसे पहले हिंसा भड़की, उसके बाद पिछले जुमे को शुक्रवार को जिस तरह से नमाज के बाद हिंसा हुई, पथराव हुआ, प्रदेश को सुलगाने की कोशिश की गई, उसके बाद प्रयागराज में किसी मुस्लिम पक्ष का कोई बयान सामने आया, किसी मुस्लिम पक्ष का इस पे सफाई देते हुए कोई बयान आया, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी नहीं त्रिशला, इस पे किसी भी तरह के किसी भी लोग ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि इनके पूरे अगर परिवार की बात की जाए तो जो मुख्य आरोपी है, जो इसका मास्टरमाइंड है जावेद रूट पंप, वो पहले से पुलिस की गिरफ्त में है, उसकी पत्नी है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है, उसकी एक बेटी है जो राजनैतिक स्तर पे काफी सक्रिय थी वो भी पुलिस की गिरफ्त में, इनकी एक बहू है जो कल किसी तरीके से मीडिया के सामने आई थी। और जिस तरीके से कोई भी अपराधी अपने पक्ष को रखता है कि हमारे घर के लोग हैं वो बेगुनाह है, उन्होंने इस तरह के अपराध नहीं किए, इस तरह की बातें उन्होंने जरूर कही थी। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है, तो निश्चित रूप से जो प्रशासन कार्य कर रही है ये एक बड़ी बात है और एक बड़ा मैसेज है। हाँ, इस पे अभी तक किसी तरह की कोई भी अगर बात की जाए सामाजिक या इस तरह के कोई भी समुदाय के लोगों ने तो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। पवन, इनकी बेटी का क्या कुछ रिकॉर्ड सामने आया है, क्या इनकी बेटी का भी ऐसी किसी प्रतिक्रिया में पहले नाम आ चुका है या फिर बस वो राजनीति में सक्रिय थी? जी त्रिशला, अगर इनकी बेटी की बात की जाए, इनकी बेटी जब सीएए का जब प्रदर्शन प्रयागराज में चल रहा था उस समय में ये प्रमुख रूप से तस्वीरों में देखी जाती थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनकी जो बेटी है उसकी भी इस तरह के जो गतिविधियां हैं उसमें इसके सक्रिय होने की, उसमें शामिल होने की बातें सामने आई हैं। क्या इसकी बेटी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है पवन? नहीं, इनकी बेटी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी है। हाँ, ये जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है जावेद रूपम, ये AIM के प्रदेश लेवल के जरूर नेता है। तो AIM की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया, क्योंकि उस पार्टी के नेता है और वो ऐसी हमेशा से ही बड़ा मुखर होकर जब ऐसी कोई घटनाएं सामने आती है तो बयानबाजियां करते हुए नजर आते हैं।
हमेशा से भड़काऊ बयान देते हुए ओवैसी नजर आए हैं, क्या अभी तक एआईएमआईएम के ओर से किसी भी नेता का कोई बयान सामने आया है, कोई नेता घटनास्थल पर पहुंचा? पिछला घटनास्थल पे कोई नेता नहीं पहुंचा है। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से एआईएमआईएम के जो नेता है उसमें एक है जो प्रदेश लेवल के नेता है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं से छोटा सा मैसेज था। जैसा मैंने भी कहा कि जो ये जो मुख्य आरोपी है जावेद पंप, जैसे उनके परिजनों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमारे घर के जो लोग हैं, जो हमारे पिताजी हैं, वो पूरी तरीके से निर्दोष है, ऐसी ही बातें सामने आई थी। अभी तक कोई भी चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, ऐसा किसी का अभी कोई बयान या किसी तरह की उसकी कोई बात सामने नहीं आई है। जी दिशा जी, पवन, कितना इनका घर ध्वस्त किया जा चुका है और किस तरह की अब भी कार्रवाई चल रही है जावेद पंप के घर पर? ये पिछला आज मैंने बताया पहले कि आज 11 बजे तक विकास प्राधिकरण की तरफ से इनके घर पे नोटिस छपा की गई थी कि आज 11 बजे के पहले अपने घर के अंदर के सामान को बाहर निकालने की उनको छूट दी गई थी। 11 बजे के बाद विकास प्राधिकरण की पूरी टीम आई है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स आई है, दो दो जेसीबी आई है, इनके घर को गिराने की प्रक्रिया है वो शुरुआत हुई, और आते ही सबसे पहले जेसीबी ने जावेद पंप के जो आगे कागल मकान का अगला हिस्सा है उसकी गेट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। उनके घर के अंदर जो सामान है, कुछ वहां के लोग हैं, लेबर टाइप के लोग हैं, उनके घर के सामान को बाहर निकाल रहे हैं जो उसमें कुछ जरूरत की चीजें हैं, बाकी थोड़ी देर में इनके पूरे घर को जमींदोज कर दिया जाएगा, नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ प्रशासन ने निश्चित रूप से कोई भी तरह का विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिला है। अगर बात किया जाए बाजारों की, तो ये जो एरिया है करेली से लेकर अटाला तक जहाँ पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी वो पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर पूरे शहर की बात की जाए तो पूरे शहर में लोग जैसे आम जनजीवन जीते हैं वैसे ही वहाँ पे दिनचर्या चल रही है, लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है पूरी तरीके से छावनी बना है, चारों तरफ सिर्फ पुलिस दिख रही है, जिन गलियों में नजरें जाती हैं उसमें सिर्फ पुलिसकर्मी देखे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई है, जितने भी लोग नामजद हैं, जितने लोगों के नाम सामने आए हैं उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई पीडीए करेगा, प्रशासन करेगा। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी दोषी को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। जी पिछला जी, पवन, पुलिसकर्मियों के साथ साथ कौन से जो बड़े अधिकारी है प्रयागराज के वो इस वक्त मौजूद है जावेद के घर के आसपास? जिले अगर बात की जाए, जिले काला अधिकारी तो पूरी तरीके से लीड कर रहे हैं, एसपी सिटी है, एसपी सिटी पूरे टीम के साथ घर पे खड़े हैं, हाथों में माइक लेके लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं, और घर को गिराने की जो पहली प्रक्रिया थी वो एसपी सिटी ने उनको इशारा किया है कि इस गेट को यहाँ से गिराया जाए। जैसे उन्होंने इशारा किया, सबसे पहले पीडीए ने पहला बुलडोजर ने पूरे गेट को और आगे की जो बाउंड्री वाले पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। अब उनके मकान में बस कुछ ही क्षणों में कार्रवाई होने वाली है, कुछ ही घंटों में पूरे घर जो है, जो एक अच्छा खासा बंगला था, आलीशान मकान कहा जा सकता था, कुछ ही देर में जमींदोज नजर आएगा जमीन पर। जी जी पवन, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, ताजा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहे, हम जल्द आपसे जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से कार्रवाई जारी है। जो पीटीए है वो जावेद के घर को गिरा रहा है, आगे के हिस्से को गिराया जा चुका है, नोटिस पहले ही दे दिया गया था, उसके बावजूद भी जावेद का घर खाली नहीं किया गया, सामान को बाहर नहीं निकाला गया, जिसके बाद अब यह प्रक्रिया जारी है और थोड़ी ही देर में जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है प्रयागराज के हिंसा का, जिसने हिंसा भड़काई, जिस हिंसा में डीएम एसएसपी समेत तमाम पुलिसकर्मियों को भी पत्थर लगे, चोटें आई, युवाओं को भड़काने की कोशिश की गई प्रयागराज में, उसके घर को थोड़ी ही देर में ध्वस्त कर दिया जाएगा। जारी है, आपको बता दें कि 3 जून को पहले हिंसा की आग पूरे प्रदेश में भड़की थी और यह हिंसा मात्र एक जो बयान आया था नूपुर शर्मा का, हालांकि नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, मुंबई पुलिस ने उन्हें समन भी भेज दिया, उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया, उसके बावजूद भी जिस तरह से पूरी इस्लामिक कंट्रियां एक हो गई थी, पूरा मुस्लिम समुदाय एक हो गया था, आधिकारिक बयान भी सामने आया था सरकार की तरफ से कि कार्रवाई की जा चुकी है नूपुर पर, यह हमारा इंटरनल मामला है,
उसके बावजूद भी जिस तरह से हिंसा भड़का था प्रयागराज में, डीएम एसएसपी को भी पत्थर लगा था। अब जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है इस हिंसा का, उसको अब नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद उसके घर को ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्त करने से पहले ये कंफर्म किया गया था कि कोई महिला या बच्चे घर के अंदर तो नहीं मौजूद है। हालांकि जो भी नामजद है उन पे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सख्त निर्देश है गृह मंत्रालय की तरफ से भी कि इस हिंसा में कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया है, तो पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद रहे। हर एक ताजा अपडेट प्रयागराज से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।